इस समय कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम हो रहे हैं, कई राज्यों में बढ़ भी रहे हैं। कम होते आंकड़ों के बीच हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बीते एक साल में करीब करीब हर मीटिंग में मेरा यही आग्रह रहा है कि हमारी लड़ाई एक जीवन बचाने की है, एक एक जीवन बचाने की है। हमारी जिम्मेदारी संक्रमण को फैलने से रोकने की भी है, और ये तभी संभव है जब हमें संक्रमण की स्केल की सही जानकारी होगी। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इस पर लगातार बल देने रहना जरूरी है। अब इसलिए अगर आपको कहीं लगता है कि सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में जिला स्तर पर किसी इनोवेशन की जरूरत है, उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मिलेगी, तो मेरा आपको खुली छूट है, आप जरूर कीजिए। अगर ये इनोवेशन आपके जिले की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से है तो उसे उसी हिसाब में करिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो इनोवेशन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए बेनिफिशियल है तो उसे सरकार तक भी पहुंचाइए। अगर आपको अपने अनुभवों से तेजी से बदलती परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसीज में किसी सुधार की जरूरत लगती है तो उसका भी फीडबैक जरूर पहुंचाइए, बिना संकोच पहुंचाइए। क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है कि हम सब मिलकर के सोचेंगे, सब मिलकर के नई नई चीजें ले आएंगे, तब जाकर के हम कर पाएंगे। अपने जिले में स्थिति संभालने के लिए लगातार काम करते रहे, इससे जिले में अन्य लोगों का हौसला भी बढ़ा और आपसे प्रेरणा भी मिली। बहुत से ऐसे हैं जो कई कई दिनों तक घर नहीं जा पाए, अपने घर वालों से नहीं मिल पाए। कई लोगों ने अपने परिवार के अहम सदस्यों, अपने करीबियों को खोया भी है। इस मुश्किल के बीच आपने अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वायरस के खिलाफ हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार है लोकल कंटेनमेंट जोन्स, एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स उपलब्ध हैं, कहाँ उपलब्ध हैं, ये जानकारी आसानी से उपलब्ध होने पर लोगों की सहूलियत बढ़ती है। इसी तरह काला बाजारी पर लगाम हो, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, या फ्रंटलाइन वर्कर्स का मोरल हाई रखकर उन्हें मोबिलाइज करना, एक फील्ड कमांडर के रूप में आपके प्रयास पूरे जिले को मजबूती देते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स को आपके कंडक्ट और एक्शन से हमेशा प्रेरणा मिलती है। कोविड के अलावा आपको अपने जिले के हर एक नागरिक की ईज ऑफ लिविंग का भी ध्यान रखना है। हमें संक्रमण को भी रोकना है और दैनिक जीवन से जुड़ी जरूरी सप्लाई को भी बेरोक टोक चलाना है। इसलिए स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट के लिए जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है उनका पालन कराते समय
इस पर भी गौर करना है कि गरीब को परेशानी कम से कम हो, किसी भी नागरिक को परेशानी ना हो।